जुलाना में पांचाल समाज द्वारा किया गया प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। आज जुलाना कस्बे के रॉयल गार्डन में पांचाल समाज द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता किशनलाल पांचाल और बुढ़ाखेड़ा लाठ गांव के सरपंच देवेंद्र पांचाल ने संयुक्त रूप से की। कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में समाजसेवी जयपाल पांचाल ने शिरकत की। कार्यक्रम में शिक्षा तथा खेल के क्षेत्र में अहम प्रदर्शन देने वाले समाज के बच्चों को सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ समाज के उत्थान में भागीदारी निभाने वाले समाज की महान हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा चंडीगढ़ समेत विभिन्न राज्यों के पांचाल समाज की महान हस्तियां पहुंची। समारोह को भव्य रूप देने के लिए मशहूर गायक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। जयपाल पांचाल ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है। अन्य छात्रों को भी मेधावी छात्रों से प्रेरणा लेकर शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करनी चाहिए। हम और नौजवान साथियों, मेरी सभी को राम राम। आज जो विषय है उसमें आ जाता हूं सीधा सीधा। हमारे बीच में शिक्षा जगत के डॉक्टर राजेश पांचाल जी नजफगढ़ से आए हैं। उन्होंने सारी प्रतान से बात बताई है और एक ही बात ने मेरे विषय संज्ञान में आई। हमने दिल्ली में भी काम शुरू कर दिया, हमने इशार में भी काम शुरू कर दिया, हमारे बुजुर्गों की प्योत लगाई और जींद में भी बहुत पुरानी संस्था हमारी और कुरुक्षेत्र में भी सभी जगह पे है। मैं मेरे अजीज मनोज पांचाल जी बैठे हैं, चंडीगढ़ से हैं और इनसे आशा और उम्मीद करता हूं कि आप यो जनता एक बार चंडीगढ़ में बिगाड़ दोगे, क्योंकि बहुत जरूर था भाई। जब तक हम चंडीगढ़ के अंदर हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए या ठहरने के लिए कोई जगह नहीं होगी ने, तब तक ये जो बलजीत पांचाल जी और कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये काम अधूरा है। इसलिए मेरी सभी समाज से निवेदन है, और भाई मनोज ढाई तीन चार महीने पड़े इस सरकार के लिए मौका बच्चों का लगाने का फायदा है, मौका हो गया फिर कोई मनस नहीं होगा। तीन महीने पड़े हैं हम तेरे गेला हाँ, हर भाई इस काम में सर चढ़ा के कहा कि संस्था आपके पास है, समाज आपके साथ है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं बलजीत पांचाल जी का और इस संस्था का जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है, और इसकी जो उपलब्धियां हैं वो सारे प्रत्ये पांडे के बता दी दे दी थी संस्था ने। ज्यादा ना समय लेते हुए आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। मैं विशांधु, मैं कलानौर से आया हूँ और पांचाल समिति ने मेरे को यहाँ पे अच्छे अंक प्राप्त करने के तौर पे मुझे ये दिया है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसा ही करूँ और अपने देश का नाम रोशन करूँ। मेरा नाम पल्लव, मैं गांव बैंसी से हूँ। ये अवार्ड मुझे मेरे दसवीं की परीक्षा में अच्छे नंबर आने के कारण मिला है। संस्था की किसी पहल है? संस्था हमारे पांचाल समाज की सेवा समिति है, इसने हमें अवार्ड दिया और ये तीसरा साल इनको अवार्ड देते हुए सभी बच्चों को ऐसे ही जो आगे बढ़ते हैं उनको अवार्ड देते हैं ऐसे। सर मेरा नाम मनदीप सोलंकी है, मैं गांव बैणी भैरव से आया हूँ। पांचाल समाज समिति ने मेरे को आरआरबी बैंक मैनेजर में मैं सिलेक्शन हुआ तो उसके लिए मेरे को ये गिफ्ट दिया गया। बहुत अच्छा लग रहा है, जागरूकता फैल रही है, जागरूक कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम अरजीत है, मैं बहादुरगढ़ से हूँ और पांचाल समाज समिति ने मुझे ये दसवीं क्लास में अच्छे नंबर लाने के उस तौर पर ये गिफ्ट दिया है। किस तरह काम है लोगों का? ये अच्छा काम है। हमारा पांचाल शिक्षा समिति हरियाणा द्वारा आज तीसरा ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें प्रतिभावान बच्चे कोई भी किसी क्षेत्र में जो बड़ा काम करता है उसको सम्मानित करने का काम किया जाता है, जिसके तहत ताकि बच्चा प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ सके, इसलिए ये प्रोग्राम हर वर्ष अन्य अन्य क्षेत्र में मनाया जाता है। आज श्री विश्वकर्मा पांचाल शिक्षा समिति हरियाणा प्रदेश की ये तृतीय वार्षिक प्रोग्राम है और इस शिक्षा समिति ने
बहुत ऊंची उड़ान भरी है 3 साल के अंदर ने। हम जगह जगह देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा भर में इसने पैर फैला लिए हैं, और हरियाणा भर नहीं कह सकते इसको, हम विदेशों से लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। और इनके जो प्रधान है और जितनी भी कार्य समिति है, ये बड़े बधाई के पात्र है, बड़े ईमानदारी से, निष्ठा से, लगन से कार्य करते हैं। और जो जरूरतमंद बच्चे हैं, समाज के बच्चे हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में ये बढ़ चढ़कर अपना योगदान कर रहे हैं और अपने बच्चों को आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं।